शनि देव सूर्य पुत्र हैं और ये सभी देवताओं में सबसे क्रोधी देवता के रूप में जाने जाते हैं। शनि देव के नाम मात्र से ही व्यक्ति के मन में डर बैठ जाता है। सभी लोग शनि देव के प्रकोप से बचना चाहते हैं, जिसके लिए वो शनि देव की पूजा अर्चना भी करते हैं, जिससे कि शनि देव खुश हो सके और इनकी कृपा को भी प्राप्त की जा सके। ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि शनि देव का स्वभाव बहुत ही बुरा है, ये हमेशा लोगों को परेशान करते हैं, लेकिन उनकी ये धारणा बिल्कुल गलत है, क्योंकि शनि देव हमेशा न्याय के मार्ग पर चलना पसंद करते हैं। शनि देव व्यक्ति के कर्मों के अनुसार ही उसको फल भी देते हैं, इसलिए शनि देव को कर्म फल दाता भी कहा जाता है। अगर व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे काम करता है तो उसको शनि देव की कृपा प्राप्त होती है, लेकिन वहीं अगर व्यक्ति गलत रास्ते पर चलता है और बुरे काम को अंजाम देता है तो उसको शनि देव के प्रकोप का सामना भी करना पड़ता है। हम आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 25 अगस्त दिन शनिवार यानी कल से शनि देव की प्रकोप शांत होगा, जिसकी वजह से ऐसी 5 राशियां हैं जिनको इसका फायदा मिलने वाला है। इनको अपने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और ये अपने जीवन में सफलता हासिल करेंगे। आज हम आपको इस खबर के माध्यम से उन्हीं 5 राशियों के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन सी हैं वो 5 राशियां जिनके ऊपर कल से शनि देव मेहरबान रहने वाले हैं, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे बाकी की बची हुई राशियों का हाल कि कैसा रहेगा उनका आने वाला समय। तो चलिए शुरू करते हैं उन 5 राशियों में से सबसे पहले मेष राशि वालों से। मेष राशि वाले व्यक्तियों को 25 अगस्त दिन शनिवार यानी कल से शनि देव की अधिक कृपा दृष्टि बनी रहेगी, जिसकी वजह से आपके जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयां दूर होंगी। आपके द्वारा किए गए कार्य सफल होंगे। आप जितना समाज में लोगों का भला करेंगे आपको उतने ही अपने जीवन में भी कामयाबी हासिल होगी। शनि महाराज की कृपा से आपके जीवन में कामयाबी के बहुत से अवसर मिलेंगे, जिसकी वजह से आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा, आपकी सभी इच्छाएं भी पूरी होंगी। दूसरा, वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को 25 अगस्त दिन शनिवार यानी कल से शनि देव की अपार कृपा दृष्टि बनी रहेगी, जिसकी वजह से ये अपने जीवन में तेजी से सफलता को हासिल करेंगे। आपका आने वाला भाग्य बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपको अपने भाग्य और समय का पूरा साथ मिलेगा, जिसकी वजह से आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको अपार सफलता मिलेगी। बदलाव प्रकृति का नियम है। समय के साथ साथ आपको अपने जीवन में नए नए बदलाव भी देखने को मिलेंगे। शनि देव की कृपा से आपके सभी कष्टों का निवारण होगा। तीसरा, मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को 25 अगस्त दिन शनिवार यानी कल से शनि महाराज की विशेष कृपा प्राप्त होने वाली है, जिसकी वजह से जो व्यक्ति व्यापारी हैं उनको व्यापारिक क्षेत्र में भारी धन लाभ प्राप्त होने की संभावना बन रही है। मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। घर परिवार में खुशी का वातावरण बना रहेगा। आपको सफलता के नए मार्ग नजर आएंगे। आपके सोचे हुए काम सफलता पूर्वक पूरे होंगे। आपके जीवन में चल रही सभी समस्याएं भी दूर होंगी। शनि महाराज आपके सभी दुखों का अंत करेंगे और आपका जीवन खुशहाल बनाएंगे। चौथा, कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों का 25 अगस्त दिन शनिवार से यानी कल से समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इस राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर शनि देव की लगातार कृपा बनी रहेगी, जिसके कारण विद्यार्थियों को बहुत ही अच्छा लाभ मिलने वाला है। आप प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे अंक भी प्राप्त करेंगे। जो व्यक्ति प्रेम प्रसंग में है उनको प्रेम संबंधित मामलों में अपार सफलता मिलने की संभावना बन रही है। कार्य क्षेत्र में आने वाली बाधाएं दूर होंगी।
आप अचानक किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। शनि देव आपकी सभी परेशानियों का समाधान करेंगे। पांचवा, मकर राशि। मकर राशि वाले व्यक्तियों को 25 अगस्त दिन शनिवार से यानी कल से शनि देव की अपार कृपा दृष्टि प्राप्त होने वाली है, जिसकी वजह से ये अपने जीवन में सफलता के नए मार्ग स्थापित करते हुए आगे बढ़ेंगे। शनि महाराज को मकर राशि का स्वामी माना जाता है, जिसकी वजह से आपको अपने जीवन में सबसे तेजी से सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। 25 अगस्त के बाद का समय आपका बहुत ही आनंददायक रहने वाला है। आपको अपने जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं भी हो सकती हैं, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये घटनाएं आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होंगी। व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में आपको बड़ी सफलता हासिल होगी। शनि देव की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। सुबह उठकर आप शनि महाराज को याद कीजिए, आपका दिन अच्छा रहेगा और आपको कामयाबी भी मिलेगी। तो दर्शकों, अभी तक हमने आपको बताया उन पांच राशियों के बारे में जिनको 25 अगस्त दिन शनिवार यानी कल से शनि महाराज की कृपा प्राप्त होने वाला है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं बाकी की बची हुई राशियों के बारे में कि कैसा रहेगा उनका आने वाला समय। तो बची हुई राशियों में से शुरू करते हैं सबसे पहले कर्क राशि वालों से। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का आने वाला समय शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। कार्यभार अधिक होने की वजह से आप थकान भी महसूस करेंगे। आपके ननिहाल में किसी को तकलीफ भी हो सकती है। नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों को अपने कार्य क्षेत्र में कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन समय के साथ साथ समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। आपको अपनी माता की सेहत की चिंता लगी रहेगी। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का आने वाला समय मिला जुला साबित रहेगा। आपको आर्थिक लाभ भी मिल सकता है, लेकिन आपके उसके साथ ही खर्चों में भी इजाफा होगा, इसलिए आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। बचत करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। आपके मित्र आपके व्यवहार का फायदा भी उठा सकते हैं, इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। जो व्यक्ति व्यापारी हैं, उनके व्यापार में विस्तार होने की संभावना बन रही है। व्यापार के सिलसिले में विदेश जाना पड़ सकता है। पैसों के लेन देन में सावधान रहें। अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वाले व्यक्तियों का आने वाला समय अच्छा रहेगा। आपको अचानक धन का लाभ हो सकता है, लेकिन आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी रहेगी और आपको अपने कार्य क्षेत्र में चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। माता पिता का पूरा सहयोग मिलेगा। किसी सामाजिक कार्यक्रम में भी जाने का अवसर मिल सकता है। आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का आने वाला समय मिला जुला साबित रहेगा। बिजनेस में आपको लाभ मिल सकता है। जो व्यक्ति नौकरी की तलाश में काफी समय से परेशान है, उनको कोई अच्छी नौकरी मिल सकती है, लेकिन जीवन साथी के साथ मन मुटाव होने की संभावना बन रही है। आप किसी से उपहार भी ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपको खुशी होगी। आध्यात्मिकता की ओर आपका रुझान रहेगा। आपकी सेहत मध्यम रहेगी। अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वाले व्यक्तियों का आने वाले समय में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। व्यापारियों को व्यापार में हानि का सामना करना पड़ेगा। आपके शत्रु भी सक्रिय रहेंगे, आपको नुकसान पहुंचाने की हर संभव कोशिश में लगे हुए हैं, इसलिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है। आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके शरीर में आलस रहेगा, जिसकी वजह से आपका मन काम में नहीं लगेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का आने वाला समय अच्छा रहेगा। जो व्यक्ति शादीशुदा हैं, उनके वैवाहिक जीवन में मिठास आएगी और उनका रिश्ता भी और भी ज्यादा गहरा होगा। इस राशि के व्यक्ति कोई नया कारोबार भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति नौकरी पेशा वाले हैं, उनको अपने कार्य क्षेत्र में अधिक कार्यभार होने की वजह से तनाव का सामना करना पड़ेगा। जो व्यक्ति अध्ययन से जुड़े हुए हैं,
उनके लिए आने वाला समय अच्छा रहेगा। आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, आपकी परेशानियां कुछ कम हो सकती हैं। अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वाले व्यक्तियों का आने वाला समय सामान्य रहेगा। जो व्यक्ति सरकारी महकमे से हैं, उनके लिए आने वाला समय बहुत ही उत्तम रहेगा। आपको पदोन्नति मिलने की संभावना बन रही है। घर परिवार में किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, इसलिए आप अपने पारिवारिक मामलों को समझदारी पूर्वक सुलझाएं। जीवन साथी का पूरा साथ मिलेगा। आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिल सकती है, जिसकी वजह से आपका मन बहुत ही प्रसन्न होगा। स्टार्ट योर करियर विद अस।